हर माल 150 रुपए हर माल 150 रुपए गर्लफ्रेंड कम ना है कोई नहीं यार अरे अरे भैया कितने रुपए किलो टमाटर है 1 लाख का माल है ये पूरा 200 रुपए किलो टमाटर है 1 लाख तो भाई शादी कैंसिल गुड रात में जय करो जय करने आते हैं। हेलो ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग सुब्रत दो साइड ब्लॉगिंग मतलब सुब्रत दो ब्लॉग्स आवो आवो लैली। तो भाई अभी क्या सीन है हम लोग चल रहे हैं भाई कानपुर अपना यही फॉर्मल लुक है हल्का फुल्का आओ आओ ले रहे आओ तो बंदा बोल रहा हमो ले ले तो हमने आवो ले ली भैया वहाँ में कहा है तो कानपुर भाई छोटा सा कहा 2-3 काम है वो ही करने जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या 24 जी फरकाबार से भाई जा ही रहा उसके स्टोन था तो वो अब जा रहा है सही नहीं हुआ मतलब आराम मिल गई है तो अब फिर हम भी चल मतलब हमें भी काम था तो उसके ही साथ चलते हैं। अब भाई इसे इन्हें ले लेते हैं इन्होंने कहा भाई मुझे भी ले लो। तो क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन यादव। अर्जुन यादव कहाँ रहता हो? जगतपुर। अच्छा भाई कहाँ से आ रहे हो? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। पढ़ के आ रहे हो? यस। अच्छा गैलेक्सी पब्लिक स्कूल से। कौन से क्लास में? 8th B में। गर्लफ्रेंड कौन है? कोई नहीं यार अरे 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 बाहर जा रहे थे अबे लो भाई देखो खड़ा रहा अभी उल्टे सवाल पूछते थे बाहर रहा चलो ठीक है और कुछ तो भाई स्कूटी ले लेते हैं क्योंकि गुरसाईगंज चलना है उधर से छोड़ने भाई किसी को बुलाता हूँ बंस को बुलाता हूँ भाई छोड़ने के लिए। यार बहुत गर्मी है आज बहुत 42 डिग्री टेम्परेचर इन जगतपुर। हमारे साथ है भाई बंस बंस को भाई लोग परेशान कर लेते हैं चलने वाले चलते रहो बंस अपने साथ ज़्यादा रहने लगे ना तो भाई लोग थोड़े चल रहे हैं तो भाई उन्हें क्या बताएं कुछ बोलना नहीं चाहते हैं बंस भी भाई उसको कुछ नहीं बोलना चाहता है। तो अभी हम लोग भाई चल रहे हैं साइकिल सीधे मिलते हैं तुमको स्टेशन पे ओके। गर्मी बहुत है यार सही बता रहे आज बहुत गर्मी है यार 2-3 दिन से पानी नहीं बरसा इससे ज़्यादा क्या ही होगा। आ गए भाई स्टेशन ये भाई खूबिया रोड है स्टेशन तक जाने के लिए। उस बार भाई इसी रोड पे तो एक बाबा ड्रामा कर रहा था लेट गया था बिल्कुल ब्लॉग देखा हो तुम लोगों ने तो कानपुर जा रहा था उस बार यहीं बिल्कुल इसी मकान के सामने ये भाई सीन है। हमारे साथ हैं भाई बाबा ये नाम क्या है बाबा आपको? भगवान शरण दुबे। भगवान शरण दुबे भाई जिनके नाम में भगवान हो तो भाई जिंदगी मस्त कट रही है उनकी पता कैसे 1956 में रेलवे में लगे थे 1956 में उस टाइम 1992 में रिटायर 30 साल हो गए रिटायरमेंट के बड़ा लड़का भाई विंग कमांडर एयरफोर्स में नाती सब लगे हैं बीच वाला लड़का भाई ठेका मतलब सीतापुर में रोड वगैरह किसी का भी करते होंगे 2-3 मकान प्लाट मतलब ज़मीन सब आराम से। अब हमने पूछा भाई इधर काहे बैठे के बस आ जाते हैं बैठ जाते हैं पीछे मकान है टाइम कट रहा है अपना। हमने फिर हमको पूछी कि जगह कहाँ रहा हमने जगतपुर कि जगतपुर जान था सब भाई सब बता दिया जगतपुर का और आसपास जितने गांव सब कहे मेरे साथ कहते अब कोई बच्चों ना ही है वहीं बैठे हैं भाई यही लाइफ चाहिए यार सही बता रहे बहुत अच्छा लगता है। और हमें अच्छी एडवाइस और दे रहे कि अभी शादी वगैरह ना करना पढ़ो लिखो एयरफोर्स आर्मी तो जो अब अग्निवीर हुई हो जहाँ में कुछ रहो ना ही है मास्टरी सबसे बढ़िया है। हमने हाँ बाबा सही कह रहे तो भाई शादी कैंसिल आई एस या पी सी एस सही बता रहे भाई दुबे हैं हम भी दुबे बाबा भी दुबे गए भाई हम लोग कल्याणपुर में वेलकम किया किसने सूर्य भगवान ने देख रहे हो भाई सनलाइट अच्छी लग रही यार। हमारे गुरु हैं भाई सूर्य भगवान 24 जी के गुरु हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो अब चल रहे हैं भाई हॉस्टल
ये देखो भाई पीछे ट्रेन जा रही है, कहाँ जाएगी जी? सेंट्रल अब कानपुर। बाय बाय बोल तो चाहोगे? पीछे मुड़ के देखो, क्या पता कोई बैठी हो तो वहीं देख रही हो भाई लोग। देखो चौबे देखने में लगे साले, हम लोग 200 मीटर दूर निकल आए, अभी नहीं कोई देखे। हम तो भाई ऐसे ही पीछे देख लेते। शाम हो गई भाई, हॉस्टल में आ गए। अब यार भूख लग रही बहुत तेज, तो हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए। चौबे तो भाई साथ जाएगा, उधर आ जाए आवाए, साथ में ध्रुव भी चले हुए। नहीं कह रहे हम दुकान ही संभालेंगे भाई, पीछे इतना बड़ा बिजनेस खोला है, काहे खेला है भाई ने पता, एक नया हॉस्टल खोला है, ओम बॉयज हॉस्टल कानपुर में। कहाँ है ये? छपेड़ा पुलिया। यार हम तो दोस्त रहते, आओ भाई जो कानपुर में रहता हो छपेड़ा पुलिया में आओ। बहुत से तो नहीं है, अब 4-5 ही रूम खाली होंगे क्योंकि सब बुक हो गए हैं पहले ही से। कल हम भी देखने जाएंगे। सब डबल रूम है मतलब बिजनेस चला रहा है, सारे डबल रूम है। खुद आओ और उनको भी लेके आओ अपनी, बस आओ रहो आगे। अभी हम लोग आएंगे भाई गोलगप्पे। अब भाई क्या खाने आए हो? पानी दिखाई दे यार, सही है एक नंबर। ये भाई प्रैक्टिस का है अनुभव। वो देखो भाई लड़ाई हो गई है, आप लोग देख सकते हो भीड़ बहुत है। मार साले एक दो को मार। लड़ाई होगी भाई, लड़ाई कट्टर लड़ाई। सिस्टम हैंग मारा नायोरी का बात, कोचिंग वाले बच्चे आए, सिस्टम लड़ाई मारा भाई। वो लड़ाई तो हो गई थी लेकिन यार हम लास्ट में पहुंचे, पूरा मजा नहीं ले पाए हमने। लड़ाई किस वजह से बता रहा था वो? मैच वाले बंदे जाने कौन सा यार कोई सिस्टम ऐसा ही होता, हमने रुक के पूछा नहीं यार क्या मतलब भाई, अनजान शहर है, मैं अनजाना हूँ, मुझे क्या ही लेना देना है, लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो ना आप? अरे रो मत रो मत भाई, लड़ाई से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ने तो नहीं आया हूँ, 4 बजे के साथ घूमने आए हो तो भाई घूमूंगा, बस बात खत्म। लेकिन लड़ाई भाई लेट पहुंचा यार, मैं देखने का मन था भाई, पेड़ तो बहुत ही भाई, आसपास के हॉस्टल वाले लोग देखने वाले से आगे बालकनी में, हम बंडे का मजा। पिज्जा आए हुए हैं भाई, 4 पिज्जा, गुड। रात में जय करो, जय करने आते हैं। जब हो जाएगा तब पटेगा। तो भाई नहा धो के एकदम सेट, खाना भी खा लिया हॉस्टली में, लेकिन यार इतनी तेज गर्मी लग रही है आज, पता नहीं पूछो ना। 3 बजे जा रहे हम लोग भाई हॉस्टल देखने, मेरे साथ है चौबे जी, गुज्जर जी, बस और हम। एक भाई अपना गुज्जर भाई वो लाइब्रेरी गया, वो साला पढ़ता बहुत है, करें क्या। तो देखते भाई अब हॉस्टल कैसा है न्यू वाला, क्योंकि ये हॉस्टल चेंज कर रहे हैं चौबे। लेट्स गो। बताओ गुज्जर क्या हाल है, ज्यादा गर्मी लग रही? हाल बेहाल है यार, बहुत तेज धूप है। भैया कितने रुपए किलो टमाटर है? 1 लाख का माल है ये पूरा। 200 रुपए किलो टमाटर है? 1 लाख का माल है पूरा। भैया जे पूरा कितने रुपए कितने का होगा सही बताइयो, एक अंदाजा से अपने बता दो। 50,000? 5,000। भैया कह रहे 5,000, 50,000 का माल है भाई, 200 रुपए किलो टमाटर है। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर। चलो भाई टमाटर तो यार बहुत महंगे अभी, लेकिन अभी यार हमने न्यूज़ सुनी यार, देखो कि 80 रुपए टमाटर कर दिए गए, तो ये क्या हो गया, 200 रुपए खाए। तो न्यू हॉस्टल भाई ये है तो सही। अब अंदर से देखते हैं क्या सीन बनता है। पहले भाई पूरी कुतुब मीनार नाव को पानी आ गया क्या? अरे पता ही नहीं चल रहा, धूप पानी एसी वगैरह सब साइट है, जो पार्किंग है। पानी आ गया भाई, पानी आ गया, धूप भी भाई गर्मी बहुत तेज थी, पानी आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देख रहे हॉस्टल भाई बहुत लंबा है, बहुत सस्ते आएंगे भाई, पता नहीं कहाँ हैं लोग।
लेकिन पानी आ गया भाई, बहुत खुशी हो गई बहुत। देखो हॉस्टल देख आए हैं भाई, लेकिन हॉस्टल मतलब सही है, इतना मजा नहीं आया हॉस्टल में। हर माल 150 रुपए, हर माल 150 रुपए, हर माल 100 रुपए। अभी आए भाई हम लोग रूम देखने, ये देखो पार्किंग है पूरी, चौबे भाई घूम रहा भाई रूम देख 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 के। गार्ड साहब कहाँ है? गार्ड साहब आ रहे होंगे। हाँ अरे भाई गार्ड साहब आ गए भाई घर। मतलब यहाँ पे जो दुकान भाई इतना ठंडा लगता है पूछो ना। घर गया भाई रूम वगैरह देखने गए थे, क्योंकि भाई ये हॉस्टल हल्का सा मुझे मतलब मुझे क्या 24 बजे को उसका कमरा देखा तो मैंने कहा इस कमरे में तुम कैसे रह रहे हो बेकार में। तो चेंज कराने चक्कर में बहुत से रूम देख लिए हैं, अब कुछ पसंद भी आए कुछ नापसंद भी आए, अब फाइनल कर देंगे भाई एक दो दिन में जो मिलेगा। फ्लैट भी देख लिया है उसके लिए, तो तीन लोग रह रहे तो भाई फ्लैट ही देख लो उसमें क्या है। अब देखते हैं भाई कौन सा फाइनल होगा, और इस ब्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे अभी। इसके बाद बर्थडे वगैरह भी है धीरू भैया, उसके बाद मंडे है कल, तो वहाँ पे भी जाना है परमट बाबा, तो ये सब सीन बनते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भाई वो ब्लॉग अलग और ये ब्लॉग अलग, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। ध्रुव भाई बोल देता है लाइक कमेंट के लिए, लाइक कमेंट और शेयर सब चीज़ें आपको करनी है। हमारे प्रिय भाई हैं कानपुर से, जितने भी लोग हैं, मैं स्वयं कानपुर से हूँ, सब कानपुर वाले भाइयों को मेरे प्यार दें सारे लोग, ठीक है। तो भाई लाइक कमेंट सर सब्सक्राइब कर देना और दबा के शेयर करो। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, बाय बाय, जय हिंद, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। भारत माता की जय।